दोस्तों आज YouTube चैनल के लिए ना बड़ी अच्छी वीडियो मिल रही है, तो चलो आपको दिखाते हैं आगे क्या होने वाला है। मुंबई और राहुल चौधरी जी आज खाना लगाएंगे, आज भाई के लिए भी और खुद के लिए भी। इन्होंने जो डाइनिंग टेबल जचा दिया है अब देखते हैं भाई क्या क्या खिलाएगा अभी ना। डार्लिंग ये बता दे क्या क्या खिलाएगा। बस आज हमारे इसमें खाने में है दाल तड़का और मिक्स वेज। मिक्स वेज है जो कि हेल्थ को देखते हुए बड़ा ध्यान रखा जाता है खिलाड़ियों की, इसलिए हमें मजा आ जाएगा। अलग स्टाइल से बिल्कुल गर्मा गर्म खाना। ये है क्या है भाई, यहाँ कहाँ से निकाल रहा खाना। ये देखो खाना भी एक अलग ही है। हम ओ ये अच्छा, ये वो है। शुरू में जब टेबल आया तो मैंने सोचा देखे सलाद ही खानी पड़ेगी तो वैसे राहुल चौधरी काम देखो आप, हम 4-5 दिन के लिए मुंबई आए हैं। ये लड़का 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ी सैंडल लेके आए। चलो ये मेरे हैं, ये मैं हटा देता हूँ साइड में, ये बाकी ये लेके आया है इतने कपड़े। तो चलो करो करो काम भाई। ये भाई का रूम है, मेरा रूम थोड़ा इनसे अलग होगा, तो इनके रूम में ही आया हूँ खाना खाने। फिर मैं और क्या क्या है खाने में, चपाती है, सलाद है, और बताइए आप क्या खाएंगे वही आपके लिए लगाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि भाई आपकी क्यूटनेस बिल्कुल कम नहीं हुई है, वैसे के वैसे ही आप लग रहे हो जैसा आपको। धन्यवाद। हम प्रो कबड्डी में छोड़ के गए थे, इसके लिए थैंक यू सो मच भाभी जी का, जिन्होंने आपका इतना ध्यान रखा है। हाँ, और स्पेशल ध्यान रखती है, और सारे कपड़े उपड़े वही रख के देखती है। चलो फिर ठीक है। ये क्या है भाई, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आया हुआ ये तो, है ना। हाँ थैंक यू, ये मेरे लिए। यस, ये आपके तैयार हो गई है। बस 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 बस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो फिर मैं इस वीडियो को बंद कर दूँ। जी बिल्कुल, और ये आपकी गर्मा गर्म तंदूरी रोटी। थैंक यू। फिर खाना खा के उसके बाद हम 3-4 दिन हम इकट्ठे हैं, क्योंकि प्रो कबड्डी का शूट चल रहा है यहाँ पे। हाँ शुरू चल रहा है, प्रो कबड्डी शुरू होने वाली है 18 तारीख को, पहला मैच है ना। अब हम मैट पे नहीं, और अब हम मैट पे नहीं है, हम आपको दिखेंगे कमेंट्री बॉक्स में। पर ये जोड़ी बहुत कम तो आपको साथ फिर ये है कि आप जरूर हमें ये बताना कि भाई कमेंट करके कि हम कमेंट्री अच्छी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहाँ कमी लग रही है, तो हम वेट करेंगे आप लोगों का। हाँ, आप लोगों के कमेंट का मैं कमेंट जरूर रीड करूँगा, और फिर मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश जरूर करूँगा। अगर आपको लगे कि नहीं अजय भाई आपने वहाँ गलत बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि इस कमेंट्री में पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा होता है प्लेयर्स की वीकनेस बतानी होती है। कभी आप लोग नाराज़ हो जाओ कि भाई प्रदीप भाई की वीकनेस बता दी, अगर हमने बोल दिया कि प्रदीप भाई स्लो है इस सीज़न, ये है पवन स्लो है, नवीन फास्ट है, ये है, कंपैरिजन नहीं कर रहे, पर ये बोलना पड़ता है ताकि आप लोगों तक बिल्कुल अच्छी वीडियो जाए जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, एज ए सीनियर प्लेयर की भाई किसकी परफॉर्मेंस क्यों ख़राब हुई है क्या है, ये भी बोलना पड़ता है। तो कुछ फैंस नीचे कमेंट कर देते हैं कि भाई तू कितना तगड़ा प्लेयर था, इस प्लेयर को ऐसे बोल रहा है ऐसे बोल रहा है, तो उन चीज़ों को नेगेटिव जिंदगी में और नेगेटिव नहीं सोचना है। वो होता है कि हमें आप तक हर एक चीज़ सच बतानी होती है कि भाई क्यों ये बंदा स्लो हुआ, चाहे वो एज इफेक्ट है, चाहे उसकी एज हो गई है, क्यों बंदा इस सीज़न अच्छा खेला क्योंकि उसकी एज कम है, तो ये चीज़ें है ना कि क्यों बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, क्योंकि भाई ये एक ही स्किल पे काम करता है या अगली स्किल इसके पास नहीं है, तो ऐसे। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू। और इसको जाके यार छोड़ के भाई, थैंक यू वेरी मच भाई। इसको इसकी जगह थोड़ा बात होंगे, नहीं वो कर देना उनको, यकीन कर दे वो आ जाएंगे ले जाएंगे। और थोड़ा बड़ा है, क्या हुआ? ये बंद करना है फ्रिज। क्या पता नहीं क्या समस्या हुई
फिर मैं हूँ उधर, मैं हो जाऊँ आगे, वो जो हो आगे आ फिर पीछे हट जा फिर हम अजय ठाकुर होऊंगा मुरे फिर हट। ये मेरे से तो बंद हुआ नहीं, बट अभी हमारे भाई जी अजय ठाकुर साहब इसको बंद करके दिखाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें सिर मार लिया, मगर इसका सिस्टम मुझे कहीं से बैठा नहीं, कैसे खुलेगा बंद हुआ ये। बट अभी देखो अजय भाई कुछ कर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है इनकी कोशिश से नाकाम होने वाली है, क्योंकि जो मैंने किया है वही ये कर रहे हैं। आप देखना, आप लोगों को समझ में आ रहा तो बताना यार क्या इसका सीन। बंद तो पहले ये बता मुझे, हाँ ये मैं मान नहीं सकता। लो लो मुझे पता चल गया, अब आप इसे पकड़ लिएगा, मुझे पता चल गया इसका कसम से। यस 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 ओहो यस। चलो अब अब जो ये ना बाहर की तरफ खींच रखा है, ये जरूरत नहीं है इसको, इसलिए हम बाहर निकाल कर रहे हैं। बस यही खड़ा करते साइड में। हम लोग ये जंग जीत चुके हैं खाने वाली, जो कि बहुत टफ जंग थी, बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला है, बहुत ही मुश्किल से। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड गुड नाइट। कल हम डेली अब आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेंगे। कितने दिन है हम साथ में? अभी 20 दिन का वर्क है, 20 तारीख तक। मैं तो 20 तक हूँ, बीच बीच में मिलते जुलते रहेंगे। हाँ, पर 20 में हम लोग आते रहेंगे इकट्ठे। चलो गुड नाइट भाई।